जय श्री राम दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल दामोदर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक तड़का न्यूज़ के बारे में, यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेक तड़का न्यूज़ के बारे में। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज़ और बहुत इंपॉर्टेंट छोटी मोटी न्यूज़ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को भी नहीं स्किप किया तक जरूर देखिए यदि आपको भी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, वीडियो को भी नहीं स्किप किया तक जरूर देखना, जिससे दोस्तों आप इस वीडियो में सभी बताए 4 से 5 टेक तड़का न्यूज के बारे में समझ सके, जान सके। तो दोस्तों बिना देरी के चलते हैं आज के हमारे टेक तड़का न्यूज की तरफ। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टेक तड़का न्यूज एपिसोड को। तो दोस्तों सबसे आज की इस वीडियो में आज की हमारी पहली टेक तड़का न्यूज आने वाली है। दोस्तों क्या आपके भी दोस्तों का डर लगता है कि अपने आधार कार्ड को, अपने लाइसेंस को साथ रखने में, या फिर आपके बाद जल्दी जल्दी में होते हो और बाहर बाइक पर चले जाते हो और दोस्तों आपका लाइसेंस आपके घर पर ही रह गए। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लाई हूं एक छोटी एप्लीकेशन जिसका नाम है दोस्तों एम परिवहन एप्लीकेशन। और दोस्तों इसकी डुप्लीकेट एप्लीकेशन है या फिर इसकी दूसरी पहलू में माने तो दोस्तों एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसका नाम है दोस्तों डिजी लॉकर एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन आपके डॉक्यूमेंट की कॉपी को अपने फाइल में डिटेल से, मतलब साथ भी फाइलों में डिटेल करके रख लेगी, यानी सेव करके रख लेगी, जिससे दोस्तों यदि आप बाहर जल्दी जल्दी में बाहर जाते हो या फिर आपको डर लगता है आपके आधार कार्ड लाइसेंस को साथ ले जाने में, तो दोस्तों आप इसमें सेव करके रख सकते हो। तो दोस्तों बाहर यदि आपके पास ओरिजिनल ना भी होगा तो भी दोस्तों यदि आप वो कॉपी दिखा देंगे तो भी दोस्तों आपको आपके साथ कोई भी मामला नहीं होने वाला यदि आप लाइसेंस नहीं ले जाते हो या फिर आपके पास आधार कार्ड नहीं होता। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन, इस पर यदि आपको डिटेल से वीडियो चाहिए तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको इस पर एम परिवहन एप्लीकेशन या फिर डिजी लॉकर एप्लीकेशन पर डिटेल से वीडियो बनाकर ले आऊँगा। अब दोस्तों चलते हैं आज की हमारी दूसरी टेक तड़का न्यूज की तरफ। तो दोस्तों आज की हमारी दूसरी टेक तड़का न्यूज आ रही है इंस्टाग्राम पोस्ट की तरफ से। तो दोस्तों इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर्स या फिर नया अपडेट लॉन्च किया, जिस अपडेट के तौर पर दोस्तों हम आपने यदि हम दोस्तों अभी हमारे मोबाइल में यदि इंस्टाग्राम को चलाते हो दोस्तों उसमें यदि हमारे पोस्ट में कुछ खराबी होगी तो दोस्तों हम उसे एडिट नहीं कर सकते। पर दोस्तों ये एक अपडेट जारी किया है इंस्टाग्राम ने, जो दोस्तों ओनली फॉर डेस्कटॉप के लिए जारी किया है। डेस्कटॉप में ये अपडेट इसलिए जारी किया क्योंकि दोस्तों अपडेट मतलब ये जारी किया है कि उस अपडेट में यदि कोई इंस्टाग्राम यूजर डेस्कटॉप में यूजर है, डेस्कटॉप यूजर इंस्टाग्राम यूजर है, तो दोस्तों वो ये मान लो कि उसने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पर, तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट करेगा और दोस्तों फिर बाद में उसे एडिट भी कर सकते हैं, यानी अपलोड होने के बाद वो उसे उस पोस्ट में एडिट भी कर सकते हैं, यानी उस पोस्ट के अंदर वो फिल्टर भी या फिर टेक्स्ट भी एड कर सकता है उस डेस्कटॉप यूजर के लिए। यह बहुत बड़ा अपडेट है इंस्टाग्राम यूजर की तरफ से। तो दोस्तों इंस्टाग्राम की तरफ से ये डेस्कटॉप यूजर के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा माना जा सकता है। अब दोस्तों चलते हैं आज के हमारे तीसरे टेक तड़का न्यूज के बारे में। तो दोस्तों आज की हमारी तीसरी टेक तड़का न्यूज आने वाली है जियो फोन नेक्स्ट की तरफ से। तो दोस्तों आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि मुकेश अंबानी ने हमारे भारत में जियो फोन नेक्स्ट को यानी 5G और 4G जियो फोन स्मार्टफोन को जियो की तरफ से आने वाले स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया। अब दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में क्या बताने वाला हूँ वो मैं अभी बताने वाला हूँ कि मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इस मतलब इसकी सेल कब लगने वाली है, इसकी प्राइस क्या होने वाली है और वगैरह वगैरह। इस जियो फोन की छोटी सी नॉलेज मैं आपको इस टेक तड़का न्यूज में देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी सेल हमारे भारत में कब लगने वाली है। लॉन्च तो ये हमारे भारत में पहले ही हो चुका, पर दोस्तों इसकी सेल हमारे भारत में कब लगने वाली है। तो दोस्तों इसकी सेल हमारे भारतीय मार्केट में दोस्तों लगने वाली है 10 सितंबर को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन आपको ये सेल देखने को मिलने वाले। दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप इसका होने वाला है कि इसकी आपको बात कर लें इसके में इसमें किसके साथ इसका सपोर्ट मिलने वाला है, यानी जियो तो इसकी कंपनी है ही, पर दोस्तों इसका सपोर्ट किसका किस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इसमें साथ में सपोर्ट है या फिर पार्टनरशिप है, तो दोस्तों वो है गूगल। गूगल कंपनी ने इसके साथ हाथ मिलाया है जियो के साथ। अब दोस्तों चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि ये 4G है, 5G या फिर 2G। तो दोस्तों ये 4G और 5G दोनों स्मार्टफोन होने वाला है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी प्राइस रेट की। तो दोस्तों इसकी हमारे भारतीय मार्केट में प्राइस होने वाली दोस्तों अंडर 5000, यानी 5000 रुपये के नीचे नीचे आप इस स्मार्टफोन को अपने घर ला सकते हो। तो दोस्तों ये सबसे सस्ता। और दोस्तों इसके फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स जो आपको 5G स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले वो सभी फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों जियो फोन नेक्स्ट की स्पेसिफिकेशन या फिर ये छोटी सी न्यूज आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज की हमारी चौथी टेक तड़का न्यूज के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों आज की हमारी चौथी टेक तड़का न्यूज आने वाली है वन प्लस ऑफर की तरफ से। तो दोस्तों वन प्लस ने एक ऑफर लॉन्च किया है जिस ऑफर में दोस्तों आपको हर किसी वन प्लस के आइटम्स पर या फिर हर किसी वन प्लस के गैजेट पर आपको 10% 20% एंड 15% का डिस्काउंट देखने को मिलने वाला। साथ ही दोस्तों आपको नो कॉस्ट EMI का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। विथ दोस्तों आपको यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड है तो दोस्तों आपको 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का भी डिस्काउंट देखने को
मिलने वाला। पर दोस्तों इतने सारे ऑफर वन प्लस की तरफ से आने वाला है, इतने सारे ऑफर, इतनी सारी कैपेसिटी होने के बावजूद दोस्तों ये ऑफर हमें कहाँ पर देखने को मिलने वाला है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ऑफर आपको ओनली ऑन अमेजॉन इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला। तो दोस्तों वन प्लस की ये वन प्लस का ये धमाकेदार ऑफर आपको कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या आप अमेजॉन पर जाकर वन प्लस का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे, वो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के हमारी पाँचवीं और आखिरी एप्लीकेशन दोस्तों टेक तड़का न्यूज़ की तरफ, जो दोस्तों आने वाली है एक एप्लीकेशन पर। तो दोस्तों वो एप्लीकेशन है त्रिनेत्र एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये एप्लीकेशन को विकसित किया है। इस एप्लीकेशन में दोस्तों आप इस एप्लीकेशन आप किसके लिए यूज़ करने वाले, यानी कि ये एप्लीकेशन किसके लिए होने वाली है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन होने वाली है किसी अपराधियों के पिछले चोरी चकोरी करने, मतलब किसी अपराधियों की, मान लो इस एप्लीकेशन का काम है कि मान लो किसी अपराधी की डिटेल्स, इसमें नाम और फोटो उस अपराधी की इस एप्लीकेशन में डाल दिया जाए तो दोस्तों उस अपराधी की सारी डिटेल्स इसमें निकल जाएगी, यानी उस अपराधी की सारी कुंडली इस एप्लीकेशन की सहायता से निकल जाएगी, यानी उसके भूतकाल में कितनी चोरियाँ की, कितने बुरे काम किए, वो सभी बातें आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की पुलिस ने विकसित किया गया एप्लीकेशन है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कैसे लगा, इस एप्लीकेशन की ये न्यूज आपको कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई ये पाँचों टेक तड़का न्यूज आपको कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों साथ में आपके दिमाग में मेरे रिलेटेड या फिर मेरे इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों आप दिल खोल कर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक घर में सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।